सो हेलो गाइस, दिस साइड तनेजा और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। सो वीडियो का टाइटल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज आपकी काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैंने टॉप 4 पॉइंट्स बताए हैं मेरे हिसाब से जो एक परमानेंट स्क्वाड बनाने के लिए जरूरी है। और अगर किसी पे टीम नहीं है या प्लेयर ही नहीं है, उसके लिए भी वीडियो के एंड में सॉल्यूशन दिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छी स्क्वाड तभी बनती है जब उसके अंदर चारों प्लेयर अच्छे हों, बट बड़ा कुछ अचीव तभी कर पाओगे जब उन चारों प्लेयर के अंदर डिजायर हो। सो वो चार प्लेयर कैसे मिलेंगे वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ही, बट चार प्लेयर मिल जाने से आपका काम खत्म नहीं होता, मेनली वहीं से काम शुरू होता है आपको अपनी स्क्वाड को बेहतर बनाने का। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपकी एक स्क्वाड हो और आप उसके साथ रैंक खेलो, नहीं, मेनली आप उस जगह पे परफॉर्म करो जहाँ पे आप अभी तक पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, और आपको टीम में बार बार चेंजेस ना करने पड़े और आप हर जगह परफॉर्म कर पाओ, चाहे वो क्लैश कोर टूर्नामेंट हो, लोकल टूर्नामेंट्स हो या कोई गरीना का ऑफिशियल टूर्नामेंट हो। सो पॉइंट वाइज बात करते हैं ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट पॉइंट इज गेम प्ले। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई खेलने आए या आपको कोई अपनी टीम में इन्वाइट करे, तो सबसे पहले जो उसे अट्रैक्ट करेगा वो करेगा आपका गेम प्ले। अगर आपका गेम प्ले अच्छा होगा तभी आपको कोई टीम इनवाइट करेगी और आपके साथ कोई खेलने आएगा। और अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो एक अच्छी टीम तभी बनती है जब उनके सभी टीममेट्स का गेम प्ले अच्छा हो और वो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। सो यहाँ पे भी यू हैव टू लुक योरसेल्फ एंड योर टीममेट्स जिनको आप अपनी टीम में लेते हो, क्योंकि अगर गेम प्ले अच्छा नहीं होगा किसी भी टीममेट का तो वो बस टीम पे बर्डन बनेगा और उसका होना ना होना बराबर रहेगा, क्योंकि टीम उसे कैरी करेगी। सो आपको उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है जिन्हें एक्सपीरियंस हो सभी मोड्स में कंफर्टेबली खेलते हों, चाहे वो क्लैश कोड या फुल मैप, बाकी नॉक बहुत कम होते हों और थोड़ा टाइम गेम को दे चुके हों मंथ या ईयर, ताकि उन्हें बेसिक चीज़ें समझानी ना पड़े। सेकेंड पॉइंट इज लीडरशिप। गेम के अंदर मेन भूमिका लीडर की होती है, जो अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस करके टीम के बारे में पहले सोचता है, भले ही अपनी लूट पूरी ना हो बट टीम की फुलफिल कराता है। सो लीडरशिप मुझे मेन लगता है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। सो आपको टीम में उसी को आइडियल बनाना है जिसको गेम की अच्छी नॉलेज हो, जिसकी बात सब माने, क्योंकि अगर चार बंदे डिस्कशन करेंगे आपस में तो चारों के अलग अलग डिसीजंस होंगे, कोई बोलेगा ये करेंगे कोई बोलेगा वो करेंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं गलत फैसला लेके टीम एलिमिनेट भी हो सकती है। सो एक की ही बात सुनो जिसको आप लीडर बनाओ, और अगर आप खुद लीडर की भूमिका निभाते हो तो आपको अपने डिसीजंस क्लियर रखने चाहिए। आपको टीम से डिस्कशन नहीं करना है कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, इससे फाइट लेनी है या नहीं, आपको अपनी टीम को सिंपल एंड क्लियर रखना है कि हमें यहाँ पे जाना है तो जाना है। इससे होगा क्या, बाकी के जो तीन टीममेट्स हैं उनका डिस्कशन कम हो जाएगा और वो अपनी गेम पर फोकस कर पाएंगे, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी कि कहाँ से जाना है, कहाँ से रोटेशन काटनी है, जोन कहाँ बनेगा, बस वो एक परफेक्ट कमांड की उम्मीद में रहेंगे। क्योंकि अगर एक बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हो सकता है अभी वो गलत भी हो, बट जब वो ये काम रेगुलर करता रहेगा तो वो परफेक्ट होता जाएगा और उसको अपनी स्क्वाड की कमियां और ताकत के बारे में भी पता लगता जाएगा और उसे पता होगा कि कब क्या डिसीजन लेना है। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए टीम में बातचीत होना बहुत जरूरी है, चारों प्लेयर्स के माइक ओपन होने चाहिए और छोटी छोटी कॉल्स भी देनी है, भले ही आपने किसी को 20 का डैमेज भी क्यों ना दिया हो। और एक कोऑर्डिनेशन वे में खेलने से ही आपकी गन पावर भी बढ़ती है, जैसे एक बंदे का काम होगा स्नाइपर चलाना और पीछे रह के कवर देना, और एक बंदे का काम होगा फ्लैंक करना और नॉक निकालना, और जैसी वो नॉक निकालेगा तो दो जो आपके रशर्स होंगे वो सीधा रश कर देंगे और पीछे स्नाइपर वाला कवर दे रहा होगा और फ्लैंक वाला भी धीरे धीरे क्लोज आ जाएगा। सो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए आपको भी अपनी टीम में रोल डिसाइड करने होंगे।
एक बंदा स्नाइपर चलाएगा, दो रशर होंगे और एक फ्लैंक करके नॉक निकाले करेगा। और कोऑर्डिनेशन बैठने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जितने भी लोकल टूर्नामेंट्स हो उन सभी में पार्टिसिपेट करना है और डेली के 1 से 2 घंटा निकाल के टीम के साथ प्रैक्टिस करनी है। सो 3 पॉइंट तो हो गए, बट जो लास्ट पॉइंट है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी स्क्वाड कभी भी बन पाएगी, क्योंकि ये पॉइंट डेकोरम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो पॉइंट है रिस्पेक्ट योर टीममेट्स। सो टीम भी एक फैमिली होती है जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हो गेम में, बट अगर आप अपने टीममेट्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो स्क्वाड बनाना एक सपना ही रह जाएगा। कौन चाहेगा उसकी स्क्वाड में रहना जहां उसको गंदा लगे? आपके और आपके टीममेट्स में एक समझ होनी चाहिए, टीममेट के साथ मस्ती मजाक वाला माहौल होना चाहिए, जिससे अगर उसे किसी चीज़ का बुरा लगे तो वो बिना बेझिझक आपको बता दे। सो अगर आप ये 4 पॉइंट फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी स्क्वाड बन जाएगी। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप पे प्लेयर्स ही पूरे नहीं हैं, प्लेयर्स की कमी है, तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, अपनी UID, कितने टाइम से आप गेम खेल रहे हो, मतलब आपका एक्सपीरियंस, और आपको क्या खेलना पसंद है, शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज, जो आपका अच्छा हो, तो आप वो सब लिख सकते हो और जिस बंदे को आपकी नीड होगी वो आपको रिक्वेस्ट भेज देगा। बाकी जब आपके 4 प्लेयर पूरे हो जाएं, जितना टाइम मिले उतना साथ खेलो, धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओ। सो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो आपकी हेल्प करे तो लाइक और शेयर कर देना। और काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं सारी, बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप भी सब्सक्राइब कर देना। और जल्द ही मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।